Hello everyone, in our third lecture, we will discuss what is charts of accounts. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि क्विकबुक्स के अंदर हम चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स को कैसे क्रिएट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स को क्रिएट करने के लिए डैशबोर्ड के ऊपर सेटिंग्स के आइकन को क्लिक करके फोर्थ ऑप्शन चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स को क्लिक करेंगे. उसके बाद सी योर चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स. सी योर चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स को क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ अकाउंट्स की लिस्ट आ जाती है. वो क्विक बुक्स ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट जो हम इंडस्ट्री टाइप चूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग क्रिएट करता है. अगर आपको अपनी बुक्स में कोई नया अकाउंट क्रिएट करना है तो आप न्यू पे क्लिक करके नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल हम बैंक का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं अपनी बुक्स में. तो बैंक का अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मुझे अकाउंट टाइप बताना पड़ेगा कि जो मैं अकाउंट क्रिएट कर रही हूँ वो किस टाइप का अकाउंट है. वो आपके बिजनेस के फिक्स एसेट्स का अकाउंट है, आपके बिजनेस के बैंक का अकाउंट है, या फिर करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम, इक्विटी, किस टाइप का अकाउंट है वो हम अकाउंट टाइप में चूज करेंगे. जो भी आप अकाउंट टाइप चूज करते हो उसके बाद डिटेल टाइप में उसकी फर्दर डिटेल आ जाएगी. जैसे हमने बैंक टाइप चूज की है तो डिटेल टाइप में हम चूज करेंगे कि किस टाइप का आपको बैंक अकाउंट क्रिएट करना है. करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, कैश का अकाउंट, वो हम डिटेल टाइप में चूज कर लेंगे. उसके बाद नेम में जो भी आप अपने अकाउंट का नेम रखना चाहते हो बुक्स के अंदर वो आप नेम में रख दोगे. डिस्क्रिप्शन में अगर आप अकाउंट के बारे में कोई रिमार्क्स लिखना चाहते हो तो वो डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो. देन इज सब अकाउंट. अगर जो आप लेजर क्रिएट कर रहे हो वो किसी और अकाउंट का सब अकाउंट है तो आप यहाँ पर चूज कर सकते हो वो. उसके बाद डिफॉल्ट टैक्स कोड. डिफॉल्ट टैक्स कोड में कि जो आप हम अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं अगर उसके ऊपर कोई टैक्स अप्लाई होता है तो वो कौन सा टैक्स है और कितने परसेंट अप्लाई हो रहा है. जो भी आप टैक्स को चूज करते हो वो जब आप ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो तो बाय डिफॉल्ट क्विकबुक्स वो रेट अप्लाई कर देता है. देन बैलेंस. बैलेंस के अंदर हम ओपनिंग बैलेंस फिल करेंगे. अगर आपका रनिंग बिजनेस है तो उस टाइम पे अगर किसी भी अकाउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस है, जैसे कि हम बैंक का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो जब आप ये अकाउंट क्रिएट कर रहे हो अगर उस टाइम पे कुछ ओपनिंग बैलेंस है बैंक का तो वो आप बैलेंस के अंदर फिल कर सकते हो. अगर आपने बिजनेस अभी स्टार्ट की है, ज़ीरो बैलेंस है तो बैलेंस में ज़ीरो आ जाएगा. एज ऑफ में कितनी तारीख को वो बैलेंस है वो डेट आ जाएगी. देन सेव एंड क्लोज करके लेजर क्रिएट हो जाएगा.